मथुरा के बाद बात मुंबई की करते हैं। मानसूनी बरसात का दौर जारी है। अंधेरी सब्वे पर 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है। कई जगह अंडरपास में पानी भर गया, इससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यह तस्वीरें आप देखिए, ये सब्वे की हालत, 4 फीट करीबन पानी यहाँ पर भर गया। मुंबई पानी पानी कैसे हुआ ये समझिए, लोग परेशान कैसे हो रहे हैं। अब यहाँ पर लोग कैसे निकलेंगे, कैसे जाएंगे, क्योंकि ये रास्ते आम लोगों की मुसीबत बढ़ाएंगे। अंधेरी सब्वे की तस्वीरें, पानी भरता जा रहा है, पानी भरता जा रहा है, पूरा का पूरा यहाँ पर 3 से 4 फीट पानी भर गया। यानी आप बाइक तो निकाल ही नहीं सकते, बड़ी गाड़ियां भी आप नहीं निकाल सकते, तो अभी ये मान के चलिए रास्ता बंद है। अगली जो खबर है वो है गुजरात से। गुजरात के नवसारी में मूसलाधार बरसात से परेशानी हुई। सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया। सड़कों पर पानी भरने से दिक्कतें बढ़ गई, लोगों के घरों में पानी भरने लगा। भारी बारिश से नदी नाले तो उफान पर हैं। आप देखिए यहाँ पर पानी का बहाव, आप देखिए कितनी तेजी के साथ गुजरात के नवसारी। और खबर ये है कि अगले कुछ और दिन फिलहाल जो भारी बारिश है वो जारी रहेगी। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज बारिश हुई शाम को आपको राहत मिल गई, तो नहीं, झूठी उम्मीदें मत लगाइए, तकलीफ होती है। तो ऐसे में अभी बारिश और होगी, समस्या और बढ़ेगी, परेशानी और बढ़ेगी, तो उसके लिए आप पहले से ही इंतजाम करके रखिए, राशन इकट्ठा करके रखिए। और देखिए अगली जो खबर है वो बड़ी खबर जो आ रही है वो आ रही है बिहार से। बिहार के बेतिया में बाढ़ जैसे हालात है, मकान दुकानों में पानी घुस गया है, बाढ़ का पानी। ये बेतिया की खबर बताई जा रही है, बिहार के बेतिया में। सबसे बुरा हाल तो नरकटियागंज का है, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। ये बेतिया में बारिश और बाढ़, लोगों का बुरा हाल। नरकटियागंज का सबसे बुरा हाल है, मेन रोड से लेकर गली मोहल्ले सब पानी में समा गए। और ये बताया जा रहा है कि बारिश यूं ही होती रही तो आने वाले दिनों में मुश्किलें और बढ़ जाएंगी, यानी दिक्कतें और होंगी। बिहार में इस वक्त मौसम मेहरबान है, जोरदार बारिश हो रही है, लेकिन लोग थोड़े से परेशान। कुछ लोगों के लिए राहत तो कुछ लोगों के लिए आफत, यही हर मानसून में होता है। तो बिहार में भारी बारिश का दौर जारी है। बिहार में उफान पर है गंगा, कोसी, गंडक नदी। लगातार इन नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। कौन सी नदियां? गंगा नदी, कोसी नदी, गंडक नदी, इनका उफान बहुत ज्यादा अभी देखा जा रहा है। आप तस्वीरें आप देखिए बगल में, क्या हालात यहां पर हो गए। वैशाली के निचले इलाकों में भी बाढ़ का खतरा बना हुआ है। और वैशाली जिले में गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए एसडीआरएफ की टीम ने नदी में पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। लोगों को बाढ़ को लेकर अलर्ट किया गया। ये देखिए, ये घाट सब लबालब भर चुके हैं, सब लबालब भर चुके हैं। वैशाली जिले से चाइनीज टाउन ऑफ भारत की टीम भी वहां पर पहुंची और वहां ग्राउंड रिपोर्ट क्या है वो हम आपको दिखाते हैं। बिहार की नदियां उफान पर है और बाढ़ ने अपना जो क्षेत्रफल है वो बढ़ाना शुरू कर दिया है। बिहार में अलग अलग जिलों में बाढ़ की स्थिति है। आप देखिए, हम गंडक नदी में मौजूद है और यहाँ पर भी बाढ़ की स्थिति जो है, क्योंकि जलस्तर जो है पानी का गंडक नदी का वो लगातार बढ़ा है, तो ऐसे में जो किनारे, जो गंडक नदी के किनारे बसा हुआ जो इलाका है वहाँ तक अब पानी ने अपना दस्तक देना शुरू कर दिया है, क्योंकि जलस्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है इन नदियों का। गंगा हो, कोसी हो, गंडक हो, तमाम नदियाँ उफान पर है और ऐसे में अब बाढ़ का संकट और भी गहरा होने लगा है। जो तटबंध के इलाके हैं वहाँ पर कई गांव इससे प्रभावित भी है और आप तस्वीर देखिए कि किस तरह से जो बाढ़ का जो पानी है, जो नदी का जलस्तर है वो बढ़ा है। और इसे लेकर लगातार एसडीआरएफ की टीम भी लगातार इसको मॉनिटर कर रही है, लगातार कोशिश की जा रही है एसडीआरएफ की टीम के द्वारा कि किसी तरह का कोई खतरा ना हो, किसी तरह की कोई हानि ना हो। इसके लिए लगातार पेट्रोलिंग भी की जा रही है, गंडक नदी हो, कोसी नदी हो, तमाम जगहों पर। अभी गंडक नदी में हमारे साथ यहां पर देखिए एसडीआरएफ की टीम भी मौजूद है और यहां देखिए किस तरह से कोनहरा घाट है ये वैशाली जिले का और यहां पर नदी का जलस्तर कितना बढ़ा हुआ है। आप देखिए किनारे तक जो है वो लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं और
कई लोग यहाँ पर पानी में डुबकी भी लगा रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए किस तरह से जलस्तर जो है वो अब नज़दीक पहुँच गया है, जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ तक इसका जलस्तर जो है वो पहुँचने लगा है, और ये दर्शाता है कि खतरा जो है वो धीरे धीरे अब बढ़ रहा है। तो देखिए पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वहां पर कुदरत ने कहर बरपा रखा है। असम के बोईगांव लोग में भारी बारिश से लोग परेशान हैं, लोगों का जीना मुहाल हो गया है। असम के बोंगाई गांव में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए, रोडों की हालत आप देखिए, रोड धस गई हैं, सड़क धस गई है, हाईवे की सड़क टूट गई है, दरारें पड़ गई हैं, आने जाने में परेशानी हो रही है। लोग बाग सोच रहे हैं कि गाड़ी यहां पर खुदाए कि नहीं खुदाए, गाड़ी चलाएं कि नहीं चलाएं, कब पता कब कौन सी सड़क समा जाए और गाड़ी उसमें समा जाए। ये बोंगाई गांव है असम का नॉर्थ ईस्ट, और यहां दिक्कत देखिए, ये रोड धस गई, दरारें पड़ गई इस रोड में, वाहन चालक गाड़ी निकालने में डर रहे हैं। और असम में भी आफत काल का माहौल बना हुआ है, बाढ़ की चपेट में असम के 26 जिले हैं, 26 जिले। ये जो हमने आपको तस्वीर दिखाई थी वो तो हमने दिखाई आपको, अब 26 जिले उनमें से कुछ की तस्वीर आप यहां पर देखिए। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है ये, नदियों का जलस्तर डेंजर लेवल के पार है, जलस्तर पहले से कम हुआ है लेकिन फिर भी नदियां खतरे के निशान के पार ही हैं, सड़कों पर पानी भरा है, फसलों को नुकसान हुआ है, घर पानी में डूब गए, लोग बेबस हैं, परेशान हैं, अभी तक उनको राहत की जो उम्मीद है वो कहीं नजर नहीं आ रही है। और मोरी गांव के बारे में बात की जा रही है, तो मोरी गांव में मौजूदा हालात क्या है हमने भी जानने की कोशिश की, और जो हमने जाना है वो आपको बताते हैं। इस बार बाढ़ के चलते आप यहां की परिस्थिति देख पा रहे हो, यहां पे पूरे जगह पे, पूरे इलाके पे पानी भर गया है, ये रास्ते जो है यहाँ पे पानी भर गया है और लोगों को बहुत तकलीफें हो रहा है। और ASDMA के तरफ से ये बोला गया है लगभग 14 मिलियंस पीपल लोगों को बाढ़ के चलते बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। हम लोग ग्राउंड चलते हम लोगों ने ये भी पता लगा है बहुत सारी जगह पे, बहुत सारी छोटी छोटी जगह पे, बहुत सारी छोटी छोटी गांव पे अभी तक रिलीफ नहीं पहुंचा है। बहुत सारे लोग जो स्थानीय शिविर है, जो रिलीफ कैंप्स है उनमें जाके रह रहे हैं, लेकिन उनको पीने के पानी और खाना खाने में भी दिक्कत हो रही है। लेकिन बहुत सारी जगह पे ये भी देखा गया है जहाँ पे असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा खुद जाके बाढ़ परिस्थिति है उसकी जांच पड़ताल कर रहे, लोगों को मदद मिल रहा है कि नहीं मिल रहे उसकी भी पड़ताल कर रहे। लेकिन बहुत सारी जगह पे जैसे आप देख पा रहे हो, बहुत सारी जगह पे अभी भी रिलीफ नहीं पहुंचा है। पूर्वोत्तर से वापस यूपी लिए चलता है, यूपी के कई जिलों में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। खबर जो है वो है शाहजहांपुर से, उत्तर प्रदेश का शाहजहांपुर, बाढ़ से भयानक तबाही की तस्वीरें यहां से जो आई है वो आपको दिखा रही है। देखिए पानी में डूबी कार को JCB से रेस्क्यू किया गया, वो भी आपको देखिए। शाहजहांपुर से जो तस्वीर सामने आई उसमें दिख रहा है कैसे लोग पानी के बीच फंसे हुए हैं, हर तरफ पानी का कब्जा है, सड़क से गुजर रही कार जब पानी में फंस गई तो उसको भी JCB से रेस्क्यू किया गया, वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। पहले यहाँ पर देखिए, ये लोग कंधे से ऊपर मतलब सीने तक पानी है, कंधे तक पानी पहुँच गया उनके, और यहाँ पर ऊपर से देखिए अधिकारी लोग देख रहे हैं कि क्या हालात है, और नीचे देखिए लोग बाग चल रहे हैं बेचारे, मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, रोड तो दिख ही नहीं रही है, ऐसा लग रहा है कि नदी है और नदी में लोग तैर रहे हैं। और ऊपर जो फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर से ये तस्वीरें देखी जा रही है, और ये पूरा शहर डूबा हुआ है, शाहजहांपुर पूरा शहर डूबा हुआ है। ये गाड़ी का देखिए, ये गाड़ी डूब गई, सड़क से गुजर रही कार जब पानी में फंस गई तो फिर JCB आई, JCB ने रेस्क्यू किया। सोचिए लोगों के कंधे तक पानी है, गांव से लेकर शहर तक यही तस्वीर है, बारिश और बाढ़ से बर्बादी, बाढ़ से बारिश, इस वक्त सब एक जैसा दिख रहा है, और बाढ़ से बेबसी लोगों की वो भी यहां दिख रही है। शाहजहांपुर में सैलाब में लोग फंस गए, परेशान हो गए, अधिकारी लोग ऊपर फ्लाईओवर से देख रहे हैं कि क्या है शहर, और शहर तो पानी में डूब गया। एक और तस्वीर शाहजहांपुर की बाढ़ से जो हुई है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं।
शाहजहांपुर में बाढ़ से बर्बादी की एक और तस्वीर, नाव से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। ये देखिए, ये नाव से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। हालांकि कुछ लोग बड़े मजे ले रहे हैं, कुछ लोग बड़े आनंद ले रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हमें तो कॉलोनी में ही नाव की सवारी करने का मौका मिल गया, नदी में जाना ही नहीं पड़ा, बोट से रस्सी के सहारे नाव को खींचा जा रहा है। देखिए, कुछ महिलाएं हैं, कुछ बीमार लोग हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, तो उनके लिए ये नाव चलाई जा रही है। ये शाहजहांपुर में यह हालात हो गया। कितना पानी भरा है आप समझिए, कोई भी गली, कोई भी चौराहा, कोई भी नुक्कड़ ऐसा नहीं है जहां पर बारिश की वजह से बाढ़ के हालात नहीं हो। घरों की पहली मंजिल बर्बाद हो गई, सामान मिट गया, खराब हो गया। अब यूपी के ही सिद्धार्थनगर में एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, यहां भी बाढ़ बारिश की मार है। और बड़ी दिक्कत वाली बात यहां पर यह है सिद्धार्थनगर में कि 250 से ज्यादा गांव का संपर्क यहां टूट चुका है, 1,00,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हो गए हैं। राप्ती और बूढ़ी राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, सड़कें जलमग्न हैं, लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, विकल्प है ही नहीं, सिर्फ नाव ही सहारा है। ये देखिए, जिससे लोग आवाजाही कर रहे हैं, कई लोगों ने तो अपना घर भी छोड़ दिया है। अब ये आप देखिए, आप ये बुजुर्ग महिला, आपको क्या लग रहा है कि ये बुजुर्ग महिला कहाँ जा रही है? आपको लग रहा होगा कि नदी में जल समाधि लेने जा रही है, नहीं तो ऐसा नहीं है, वो अपनी मंजिल तक जा रही है, क्योंकि वहाँ पर रोड है, वहाँ पर वो आम जीवन में वो जाया करती थी जो नॉर्मल वक्त पर। लेकिन अभी ना रोड आपको दिखेगी ना कुछ नजर आएगा, ये पुल पर जाने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही है, ये पुल पर जाने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि पुल लबालब भर चुका है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ नजर बनाई हुई है, नाव का सहारा यहां पर लिया जा रहा है। ये हालात यहां पर हो गए सिद्धार्थनगर।